फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोजस 5। एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। उससे पहले आपको बता दूँ, मैं अपने चैनल का नेम चेंज कर रही हूँ, आइडियाज़ ऑफ सोजस 5 कर रही हूँ। रीज़न ये है कि मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ चलते रहते हैं जो मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आपको बता दूँ कि आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, जो नई ममाज बनी है या जिनका छोटा बेबी है जो डाइपर बहुत यूज़ करती हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ज़्यादा देर ना करते हुए चलो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ आज का। तो ये देखिए, ये है मेरा आज के वीडियो का टॉपिक, डायपर। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है 2 ईयर का, क्योंकि मेरे बेबी ढाई साल का, मींस कि 2.5 ईयर का बेबी है मेरा। तो मैं 2 ईयर से लगभग उसको डायपर यूज़ कर रही हूँ। मैंने डायपर स्टार्टिंग में भी यूज़ किया था, ऐसा नहीं कि मैंने डायपर यूज़ नहीं किया था। मैंने डायपर यूज़ इसलिए किया था क्योंकि मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला नहीं था, कोरोना का टाइम चल रहा था और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी अकेले में, इसलिए मैंने डायपर यूज़ किया था। और मुझे काफ़ी सजेशन फ़ोन पर मिल रहे थे कि डायपर यूज़ मत करो, डायपर ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने किया, बेधड़क किया यूज़। और आपको बता दूँ, डायपर यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बेबी को इससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस हाइजीन का आप ध्यान रखिएगा और थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आप अच्छे से मैनेज करके डायपर यूज़ करते हैं तो बेबी को कोई हार्म नहीं होता है, आप आसानी से डायपर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं फर्स्ट में डायपर यूज़ करती थी ये वाला, ये है डिस्पोजेबल डायपर, इसको मैं यूज़ करती थी। तो मुझे ये काफ़ी हैवी पड़ रहा था, मीन्स कि मेरा प्राइस डे पर डे हाई पे हाई जा रहा था। तो मुझे लगा जब मेरा बजट इतना हाई जा रहा है तो मैं क्यों ना इसको स्किप कर दूँ। तो मैंने स्किप करने का सोचा, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मुझे जो मिला, मैं उसका आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। रिसर्च करने के बाद मुझे ये मिला, क्लॉट डायपर। और मैंने सोचा कि क्लॉट डायपर यूज़ किया जाए, देखा जाए। तो मैंने क्या करा, ऑनलाइन क्लॉट डायपर मंगाए, ये दो क्लॉट डायपर मैंने मंगाए। और आप देख सकते हैं, ये मुझे काफ़ी लाइट को उसमें पड़े थे, प्राइस में पड़े थे। मैं सस्ता ही मंगाना चाह रही थी स्टार्टिंग में, मैं सिर्फ ट्रायल देखना चाहती थी कि क्लॉट डायपर होता क्या है, उसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो मैंने सबसे पहले क्लॉट डायपर मंगाया, हल्की क्वालिटी का, बहुत हल्का। ये देख सकते हैं, ये मुझे पड़ा था 350 के आसपास, 2 डायपर मुझे पड़े थे। ये मेरे को एक्यूरेट प्राइस पता नहीं है, एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं है क्या है इसका, बट लेकिन 350 के आसपास मुझे पड़ा था, ये देख सकते हैं। और इसका जो इंसर्ट है, इसके साथ एक इंसर्ट भी मिलता है जो आपके बेबी की इसको एब्जर्वेशन में पीको, ब्लैंकेट लाइक क्वालिटी है इसकी। और इसका जो ये फैब्रिक है अंदर वाला, ये देखिए डायपर का, ये भी देख सकते हैं, ये भी फैब्रिक है आपका ब्लैंकेट लाइक। तो अब मैं आपको बता दूँ, ये जो डायपर है मेरा, ये पॉकेट डायपर है। एक डायपर आता है इसमें, यहाँ पर बटन्स रहते हैं, आप इंसर्ट को ऐसे चिपकाते हैं इस तरह से अंदर से। तो मैंने सोचा मेरी बेबी के लिए थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, देखिए यहाँ से तो ये चुभने वाला सा लगता है मुझे, तो मैंने उसको नहीं मंगाया, मैंने पॉकेट डायपर ज़्यादा बेनिफिट समझा। पॉकेट में क्या करना होता है, आपको डायपर को, डायपर के इंसर्ट को इन करना होता है ऐसे। और देखिए ये बिल्कुल सेम बन जाता है डिस्पोजेबल डायपर की तरह। बस आपको क्या करना होता है, जो इसमें ये बटन्स लगे होते हैं, इसे टिच करना होता है। यहाँ से इसमें टिच बटन लगे होते हैं, ये देखिए प्लास्टिक के, और इससे आपको इसके लॉक करना होता है बेबी को। इलास्टिसिटी में जितनी बेबी की आपकी लेंथ है, कमर की गोलाई है, उस हिसाब से आपको ये स्टिच करना होता है। और जब मैंने फर्स्ट में इसको यूज़ किया तो मुझे काफ़ी बेनिफिट लग रहा था इसमें, कि हाँ अगर मैं अच्छी क्वालिटी का मंगाऊंगी तो मुझे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो मैंने आफ्टर क्या किया, मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद देखा कि कोई अच्छा डायपर कौन सा रहेगा। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने 2 और मंगाए थे, ये फर्स्ट क्राई से मंगाए थे मैंने ये बेबी आके, क्योंकि बेबी आके जो डायपर थे वो फर्स्ट क्राई पे ही अवेलेबल थे। मैंने मंगाए, देख सकते हैं उसमें नाम पड़ा है बेबी आपका, ये देखिए। ये 2 कॉम्बो में मंगाए थे मैंने, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़े थे मुझे, ये 850 या 900 के आसपास मुझे ये पड़े थे। और इसके साथ भी मुझे एक एक इंसर्ट मिला था, एक डायपर के साथ एक इंसर्ट, ये देखिए। ये जो इंसर्ट है ये टावल लाइक क्वालिटी है। और इसका जो ये फैब्रिक है डायपर के आउटर का, ये इन पार्ट, ये भी थोड़ा सा ब्लैंकेट लाइक है, ये बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। अब ये जो इसका जो फैब्रिक होता है ना, ये बहुत सॉफ्ट होता है। बेबी जब, इस बेबी को जब हम ये डायपर यूज़ करते हैं तो इसका जो इनर पार्ट होता है ये आपको गीलापन फील नहीं कराता आपके बेबी को। तो इसका मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट लगा कि आपके बेबी को गीलापन फील नहीं होता है। और सेकंड बता दूं आपको, जब मेरे को ये डायपर बहुत अच्छा लगा था तो मैंने 2 डायपर और ऑर्डर किए थे, और इसके साथ भी मुझे 2 इंसर्ट मिले थे। पर प्रॉब्लम मुझे कहाँ पर आई,
बरसात के टाइम पे जब ये डाइपर का इंसर्ट सूखता नहीं था तो मुझे बहुत दिक्कत आती थी, तो मैंने इंसर्ट का कॉम्बो मंगा लिया अपने लिए, ये वाला, और बहुत सारे इंसर्ट मेरे पास हो गए थे, क्योंकि इसका जो इंसर्ट है सूखने में थोड़ा टाइम लगाता है, गर्मियों में ये वन डे में सूख जाता है, पर बरसात में आपको पता है धूप की प्रॉब्लम होती है, मशीन में भी इतना अच्छे से सूखता नहीं है, तो एक दो तीन दिन इसको सूखने में लग जाता था, तो मेरे पास बहुत सारे इंसर्ट थे तो मैं उनको यूज़ कर लेती थी। मैंने डिस्पोजेबल डाइपर को स्किप सिर्फ इस बजट के उससे किया था, और दूसरा इको फ्रेंडली नहीं था, एक बार यूज़ किया फेंक दो, एक बार यूज़ कर बहुत प्रॉब्लम होती थी, बार बार मेरे पास कूड़े का इतना ढेर हो जाता था, तो मैंने सोचा कि क्लॉथ डाइपर यूज़ किया जाए। अब जब मैंने क्लॉथ डाइपर यूज़ किया, मैं आपको फाइनली बता रही हूँ कि सच बता रही हूँ कि मुझे क्लॉथ डाइपर से बहुत फ़ायदा हुआ था। आपको अगर यूज़ करना हो डाइपर तो आप भी क्लॉथ डाइपर यूज़ कीजिएगा। अब मैं आपको इसके बेनिफिट बताती हूँ। जो हल्का डाइपर मैंने मंगाया था, इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी मुझे, ये जो आया था ये देखिए आप, साइड से जब मैंने इसको लॉक किया था तो इसमें यहाँ से लीक की प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि ये सिंगल इलास्टिसिटी वाला है, तो मुझे इसमें एक प्रॉब्लम ये आई थी। और इसमें जो अच्छा वाला डाइपर है, इसमें क्या हुआ था, ये डबल इलास्टिसिटी है, देख सकते हैं ना, ये और ये डबल इलास्टिसिटी है, इससे लीकेज प्रॉब्लम नहीं आता था मेरे बेबी को। सेकंड मैंने इसकी अच्छाई बता दूँ, जो हल्का डाइपर है इसमें जो ये एडजस्टमेंट वाले बटन्स हैं, ये वाले, ये लार्ज मीडियम वाले शॉर्ट वाले नहीं है, ये जैसा आपका साइज है वैसे ही रहता है। इसमें सिर्फ शायद आई थिंक एक है, एक एडजस्टमेंट वाला है, सिर्फ एक एडजस्ट वाला है यहाँ पर, ये बस एक एडजस्ट हो सकता है बस। और ये जो मेरे अच्छे वाले डाइपर मंगाए थे मैंने, ये हैवी वाले, ये बेबी हक के जो डाइपर मंगाए थे, इसमें एडजस्ट करने के लिए तीन साइज हैं आपके, ये ऊपर से बटन लगाने वाला है, और ये है लार्ज, मीडियम और स्मॉल। आपको स्मॉल बनाना है तो नीचे वाले में अटैच करना है, मीडियम इसमें और लार्ज इसमें, ये इस तरह से अटैच होता है, देखिए इस तरह से आपका डाइपर फोल्ड जाता है, यहाँ से आप इस तरह से, बेबी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये देखिए शॉर्ट हो गया, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको एडजस्ट। तो इसमें ये बेनिफिट है, आप उसका कोई भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आपको थोड़ा साइज़ का प्रॉब्लम होता है। थर्ड मुझे इसमें बेनिफिट लगा इसके इनर पार्ट का, इसको जब मैंने वॉश किया ज़्यादा तो ये रफ़ हो गया, देख सकते हैं थोड़ा रफली दिख रहा है, और इसको जब मैंने यूज़ किया तो इसका जो फैब्रिक है देख सकते हैं बिल्कुल जैसा मैंने मंगाया था न्यू, वैसा ही अभी तक है ये। मैं 2 ईयर से इसको यूज़ कर रही हूँ, पर इसका फैब्रिक आपको लगेगा नहीं है कि पुराना है और ये नया है, ये देखिए वैसा का वैसा है, और ये देखिए थोड़ा सा रफ़ हो गया है क्वालिटी से। थर्ड मैं आपको, थर्ड जो भी बताया होगा मैंने, नेक्स्ट जो आपका बेनिफिट बता रही हूँ मैं अच्छे वाले डाइपर का, अब मैं आपको इसका इंसर्ट दिखा देती हूँ, आप समझ जाएंगे कि इसका मुझे बेनिफिट क्या होता। सॉरी इसके अंदर है, ये देखिए, ये दोनों के इंसर्ट से आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्यों मंगाया था ये। ये देखिए इसका जो लोकल जो सस्ता वाला डाइपर था, इसका इंसर्ट बहुत छोटा है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर रख के, ये बहुत छोटा था, ये देखिए ये चौड़ाई में भी थोड़ा कम था और लंबाई में भी कम था, और जो बेबी आपका जो इंसर्ट है वो बहुत बड़ा है, तो नेचुरल सी बात है कि जब आपको कोई इंसर्ट पैड बड़ा मिलता है तो एब्जॉर्बेशन भी ज़्यादा ही मिलेगा और आपको फ़ायदा होगा, तो इसलिए मैंने बेबी हक का डाइपर ज़्यादा बेस्ट समझा। अब ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जो डिस्पोजेबल डाइपर है ये बेकार है, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ, ट्रैवलिंग पे जाती हूँ, तो मैं यही यूज़ करती हूँ, मुझे इसने बहुत हेल्प किया है, मैं ये नहीं कहूँगी ये ख़राब है, पर ये इको फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट को थोड़ा प्रॉब्लम, अब ये है कि मैं बाहर फेंकती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है इधर उधर फेंकना, तो ये मुझे उस हिसाब से थोड़ा सा कम लगा। बाकी मैं क्लॉथ डाइपर को बहुत अच्छे से बता दूँ कि क्लॉथ डाइपर आपका बजट फ्रेंडली है, कि आप 2 ईयर से अगर इसको यूज़ खुद लगा लीजिए, कि 2 ईयर से आप वही डाइपर अगर यूज़ कर रहे हैं जो आपने एक बार खरीद लिए, तो आपका बजट उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब आप डेली अगर मंथली इसको यूज़ करेंगे तो आपका बजट कहाँ से कहाँ जाएगा आपको खुद पता है। मैंने भी फर्स्ट में जब वीडियोस वगैरह देख कर सारे ये डाइपर वो किया था, तो मैंने सोचा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दूं, बस इसी वजह से मैंने डाइपर का वीडियो बनाया है, और मेरे दिमाग में जो भी आइडियाज़ आते रहेंगे रिलेटेड टू क्लॉथ, रिलेटेड टू वेस्ट मटेरियल, रिलेटेड टू कुछ भी मेरे दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी, जो आपके बेनिफिट्स के हों। डाइपर का मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बेनिफिट है तो मैंने शेयर किया, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने पूछा भी था कि क्लॉथ डाइपर क्या होता है क्या नहीं, आज मैंने आपको डिटेल वीडियो में शेयर कर दिया। आप मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।